इसमें पूरे ख्याल तो पाकिस्तान में तो इकोनॉमी एवर ग्रोइंग है, बीच में थोड़े बहुत डिप आते रहते हैं, वो भी हर चीज में होते हैं, लेकिन जनरली इट्स एवर ग्रोइंग। और स्पेशली जैसे आपने पूछा स्पेसिफिक फील्ड, तो सिविल इंजीनियरिंग में तो कभी चीज कमी होती नहीं, क्योंकि दुनिया में जो भी डेवलपमेंट होता है बुनियाद उसकी सिविल इंजीनियरिंग होती है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी और हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है कि हम बहुत चीजें बनाएं और एक्सपोर्ट करें, जिससे मुल्क की जीडीपी रेशियो भी बढ़ती है और एक्सपोर्टर का फायदा होता है, नए एवेन्यूज मिलते हैं, बोथ इट इज विन विन सिचुएशन फॉर प्रोफेशनल एंड मैन्युफैक्चरर्स बोथ। इसमें मैन्युफैक्चरर्स को अपनी चीजें एंड यूजर तक दिखाने और पहचानने का मौका मिलता है, पहुंचाने का, और एंड यूजर्स को ये पता चलता है क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आईटीबीपी की लिहाज से मैं समझता हूँ बेहतर होता है, ये फोकस होती है क्योंकि अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है और उसमें उसी तरह के प्रोफेशनल लोग विजिट भी करते हैं, तो गुड थिंग टू बी कंटिन्यू।